बीजादेही में पुलिस द्वारा अवैध गोवंश जब्त कर की गई कार्यवाही। बैतूल जिले में 26 अप्रैल मध्य रात्रि को थाना बीजादेही पुलिस की एक गश्ती दल के द्वारा ग्राम बल्लोर में दो वाहनों में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाए जा रहे पुलिस ने गोवंश को जब्त किया तथा वाहन चालक शेख करीम को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी बीएल उइके ने बताया कि लॉकडाउन के कारण गो तस्कर रास्ता बदलकर परिवहन करते पकड़े गए। यह गोवंश ग्राम पंचायत कुंडी के ग्राम बांका खोदरी गौशाला में रखे गए हैं। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उइके जी के साथ प्रेमलाल परते आरक्षक, मुकेश आरक्षक, उदेश आरक्षक, राजेश एवं महिला आरक्षक अनीता जी की भी अहम भूमिका रही। बैतूल से आशीष उघड़े की रिपोर्ट।